तूफान आएगा पता था, रिकॉर्ड टूटेंगे ये भी पता था, पर सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। दोस्तों पठान ने वो कर दिखाया है जिसके लिए मतलब बॉलीवुड वेट कर रहा था कि कई अरसों बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो, और वो कर दिखाया है पठान ने। 90s के टाइम पे शाहरुख खान आए थे बॉलीवुड को फ्लॉप की राह से उठा के एक हिट फिल्म में लेके आए थे, बट फिर वही काम 2023 के अंदर कर दिया शाहरुख खान ने, और पठान ने हर रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, अब एडवांस बुकिंग की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, देन इसके बाद कल सुबेरे हो सकेगा जल्दी उठ के तो आपके लिए पूरी ये फुल एंड फाइनल जरूर बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो यही लास्ट होने वाली है। बात करेंगे पहले दिन के लिए टोटल कितना कलेक्शन, टोटल दूसरे दिन का कितना कलेक्शन, तीसरे दिन का कितना कलेक्शन, चौथे दिन का कितना कलेक्शन, साथ ही साथ बाहुबली का रिकॉर्ड टूट गया, KGF का रिकॉर्ड टूट गया, जो भी अपने आप को बड़ी बड़ी फिल्में समझती थी सबको भैया मतलब ऐसे प्यार से तोड़ा है भाई, प्यार से मतलब क्या बोलेगा इंसान, वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार हमने तो ये नहीं सोचा, इनफैक्ट मैंने खुद नहीं सोचा था, मैंने सोचा था भैया ये बाहुबली छोड़ो ये KGF का भी शायद रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, बट इसने सबको गलत साबित कर दिया, एक इम्पॉसिबल सी चीज को बिल्कुल बहुत आराम से पॉसिबल कर दिया, बिना प्रमोशन के पॉसिबल कर दिया, और वो पॉसिबल का सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और वो है शाहरुख खान। मतलब ये चीज जो हुई है ये बहुत गजब की हुई है, और ये अभी 2-3 सालों में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है किसी भी हाल में, मैं कह सकता हूं अभी भी आपको। तो चलिए बात करते हैं क्या हो गया है, मैं क्यों इतनी फालतू की बातें कर रहा हूं, क्यों आपको पका रहा हूं, पर दोस्तों पकाने वाली बात नहीं है ये तो बताने वाली बात है, तो मैं आपको बताता हूं और आप सुनते जाइए कि इस फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या-क्या रिकॉर्ड बना दिया है, कितना-कितना कलेक्शन किया है, ग्रॉस नेट इंडिया से ओवरसीज के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं, पढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं ओवरसीज के अंदर कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या कलेक्शन अभी इसने किया। तो दोस्तों सबसे पहला जो नाम आता है US और कनाडा, इन दोनों कंट्रीज के अंदर इस फिल्म ने जो टोटल कलेक्शन किया है वो किया है $45 लाख का। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसने लगभग $40 लाख का कलेक्शन किया है, और UAE और जर्मनी के अंदर तो भैया ये रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई है, जिसका कलेक्शन बताना भी उनको बहुत इंपॉसिबल सा लग रहा है, बट दोस्तों इसको रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल बिल्कुल लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसने क्या रिकॉर्ड बना दिया है, क्या क्या कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहला रिकॉर्ड ग्रॉस में सबसे ज्यादा जो कलेक्शन किया है इस मूवी ने वो किया है ₹50 करोड़, मतलब एडवांस बुकिंग के अंदर ग्रॉस में सॉरी नेट कलेक्शन में 42 करोड़ इस फिल्म ने कमाए हैं एडवांस बुकिंग में, वो है नंबर 1 का रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड बनाया है वो इस फिल्म ने बनाया है KGF चैप्टर 2 को पीछे करके नेशनल चेन्स के अंदर सबसे ज्यादा टिकट बुक करने का, यानी कि सिनेपॉलिस PVR एंड आयोनॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा टिकट जो बुक है वो बाहुबली के नाम है, लगभग 6.5 लाख, पर दोस्तों सेकंड नंबर पे थी KGF, उसको पीछे कर दिया, और अब इसका जो टोटल नेशनल चेन्स के अंदर जो टोटल अब हो जाता है टिकट सोल्ड आउट का वो हो जाता है 5,21,000 टिकट। जी हाँ दोस्तों 5,21,000 इसने टिकट बेच दिए, और अभी भी रात पड़ी है, बट दोस्तों बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है थोड़ा, तो उस पर हम बात नहीं करते हैं। बट दोस्तों इसने एक और भी रिकॉर्ड क्रिएट किया है, वो रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में जानते हैं, और वो रिकॉर्ड है भैया सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग कलेक्शन का। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो इस फिल्म ने किया है वो अब बन चुकी है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा इंडियन फिल्म ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया है वो बन चुकी है पठान हमारी, क्योंकि इसने 42 करोड़ कमा लिए हैं, और रात अभी पड़ी है तो 45 करोड़ हो ही जाएंगे, बट KGF चैप्टर 2 ने कितना कमाया था जो नंबर 1 में थी वो थी ₹43 करोड़, और इसको इसने पीछे कर दिया। इनफैक्ट जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक ये पीछे हो चुकी होगी, और इसने बना लिए हैं वहां पे नंबर 1 का आंकड़ा। और बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में नंबर 1 कौन सी थी, एंड गेम। मैंने उस टाइम इंडियन फिल्म बताई, मैं अब हॉलीवुड बॉलीवुड सब मिला के बता, हॉलीवुड और बॉलीवुड मिला के कौन सी नंबर पे वाली फिल्म थी, वो थी आपकी एंड गेम एवेंजर्स, दूसरे नंबर पे थी KGF चैप्टर 2। KGF चैप्टर 2 यहां से भी साफ होती है एवेंजर्स एंड गेम 49 करोड़ के सेल के ऊपर है, बट दोस्तों 49 करोड़ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट पठान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कल सवेरे तक हो सकता है ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। और कौन से रिकॉर्ड बनाए भैया इस फिल्म ने, और जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो हैं भाई मतलब कितने रिकॉर्ड गिना दूं, बाहुबली का रिकॉर्ड भी भाई खतरे में ही है, और वो मुझे लगता है कि टूट ही सकता है रात रात भर में, और कल सुबेरे एक वीडियो जरूर आने वाली। बट बात कर लेते हैं कि पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए, चौथे दिन के लिए कितना कलेक्शन किया है। पहले दिन के लिए इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया है ₹28 करोड़, जहां इसका पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया के अंदर कम से कम नहीं तो 50 से 55 करोड़ आराम से जाने वाला है।
अब बात करते हैं दूसरे दिन। तो दूसरे दिन का जो 26 जनवरी के लिए कलेक्शन किया इसने एडवांस के अंदर, वो हुआ है 15.5 करोड़। जहां इस फिल्म का कम से कम ही तो दूसरे दिन पे 40 से 45 करोड़ जाने ही वाला है। तीसरे दिन का जो कलेक्शन किया है वो एडवांस बुकिंग के अंदर 5.5 करोड़, जो कि लगभग तीसरे दिन कम से कम नॉन वीकेंड डेज होने के बाद भी कम से कम 20 से 25 करोड़ जाने ही वाला है। चौथे दिन के अंदर लगभग 6.5 करोड़ के आसपास, जो कि चौथा दिन कम से कम नहीं तो हमें यह फिल्म 25 से 30 करोड़ लेती नजर आने वाली है। और अभी बता रहा हूं इतने दिन पहले ही कि अगर इस फिल्म ने ऐसे ही परफॉर्म किया तो यह फिल्म बनने वाली है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 100 करोड़ कंप्लीट करने वाली, सबसे ज्यादा जल्दी 200 करोड़ कंप्लीट करने वाली, सबसे ज्यादा जल्दी 300 करोड़, सबसे ज्यादा जल्दी 500 करोड़। मतलब ये कलेक्शन को पानी की तरह बहाने वाली है और रिकॉर्ड को तो ऐसे तोड़ेगी जैसे बादाम को तोड़ा जाता है या फिर गुंडा विलन को तोड़ता है। बहुत गंदे हाल होने वाले हैं भैया बॉक्स ऑफिस वालों को। इतना दिमाग में बच्ची होने वाला है, इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, इतना फिंगरप्रिंट चलाना पड़ेगा कि उनकी मतलब उंगलियों में दर्द हो जाएगी। बट दोस्तों ये कलेक्शन करना बंद नहीं करने वाली है, क्या ही बताऊं भाई, मजा ही आ गया। मतलब देखो केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली सब हमारे दिल पे राज करते हैं, बट दोस्तों जी पठान की बारी आती है ना तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो शाहरुख खान है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा मत करना। उसकी फिल्में ऐसी आती हैं तूफान की तरह और वार्निंग दे के आती है। ऐसा नहीं, वार्निंग दिया था शाहरुख खान ने कि कुर्सी की पेटी बांध लो, तूफान आने वाला है। आ गया ना तूफान, उड़ गए ना, हो गया ना काम खत्म ना। चलो अब देखते हैं कोई बड़ी फिल्म आएगी, बड़ी फिल्में आ रही हैं साउथ की तरफ से भी, बड़ी फिल्में आ रही है, बट उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो भी अच्छा कलेक्शन करेंगी। बट दोस्तों फिलहाल टाइम तो पठान का है, शाहरुख खान का है। अभी अगर नहीं देखा हो, एक वीडियो डाला है प्री रिव्यू के ऊपर, प्री रिव्यू मतलब पहले ही बताया कि फिल्म के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली, तो एक बार चेकआउट कर लो चैनल पर जाके और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।